इस वक्त हम बैठे हैं टंडो आदम में, और टंडो आदम का चान बिरयानी बहुत मशहूर है, कराची वालों को बहुत पसंद आता है। जब भी कराची वाले आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें चान की जो है ना पुलाव खानी है, चान बड़े की पुलाव। तो आपने पहले भी आमिर भाई चान की पुलाव खाई, कैसी लगी आपको? बहुत जबरदस्त, दो दफ़ा खाई। क्वालिटी क्या है इसके अंदर, मतलब क्यों अच्छी लगी आपको? बस यार, ये मैं तो वैसे भी उसको अवॉइड करता हूँ बिरयानी को, वही शौक से नहीं खाता, पुलाव ही शौक से खाता हूँ। और इसका यखनी पुलाव बहुत बेहतरीन। अच्छा, अपना आपने भी खाया? आपने दो मरतबा खाया, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। मतलब के शहर के अंदर टंडो आदम में हमने ऐसा पुलाव मतलब नहीं खाया, टंडो आदम दूसरी जगहों पे खाने खाए हैं, मगर इसका जायका बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। कराची में पुलाव होता है हमारे, बिल्कुल सादा, अच्छा मिर्चा वाला मसाला है, लाइट मसाला है, अच्छा टेस्ट है, खाने में मज़ा आता है। जब ये बार बार हम यहाँ चान पुलाव पर आते हैं। अच्छा, अरीब भाई कहते हैं कि हम जो है ना, लोग बोलते हैं ये चीज़ अच्छी है, ये फर्स्ट टाइम अभी खाएंगे, खाने के बाद फिर इनका इंटरव्यू होएगा। तो आपका इंटरव्यू जो है ना, पहले आप चान की पुलाव खा लें, जब आप खा लेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू करेंगे, फिर आप बताना कि वाकई में अच्छा है कि यह सिर्फ बातें बनी हुई हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर अपना लोग एंड करते हैं, खाने के बाद जो है ना दोबारा आपको इसका जो है ना अपना इसके बारे में बताएँगे। ओके, जी अरे भाई कैसे लगी आपको चांद की बिरयानी? आप बोल रहे थे कि यार जो है ना, हाँ इज्जत रखने के लिए तो नहीं बोल रहे? इज्जत रखने के लिए तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा टेस्ट है, पसंद आ गए ना? ओके हो गया ना, जो हमने कहा था वो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है भाई, शुक्र है भाई।